मंगलवार को देश भर में ईद उल फितर यानी रमजान ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। यवतमाल जिले के दीगरा शहर में भी रमजान ईद के पर्व की खुशियां का पुरनूर नजारा देखते ही बन रहा था। यहाँ सुबह 9 बजे ईदगाह पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दीगरस के मुस्लिम बंधुओं ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। मालूम हो कि बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण ने ईद की खुशियों पर मानो ग्रहण लगा दिया था। इस साल कोरोना प्रकोप थमने से लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर रमजान ईद की मुबारकबाद पेश की। दीगरस की ईदगाह पर यवतमाल जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल ने शिरकत कर रमजान ईद की मुबारकबाद पेश की। अमनो अमान वाला मोहब्बत का महीना, दरअसल है रमजान सखावत का महीना। महरूम ना हो कोई भी अजरे अजीम से, रहमत का है, बख्शिश का है, बरकत का है ये रमजान का महीना। रमजान महिन्याच्या या पावन पर्वावर मी यवतमाळ जिल्हा पोलीस दलातर्फे सर्व समाज बांधवांना, सर्व मुस्लिम समाज बांधवांना मनापासून हार्दिक सदिच्छा आणि शुभेच्छा देतो। दिग्रस दी ग्रेट ही सर्वधर्म समभाव कौमी एकताची भूमी आहे, साधू संतांची भूमी आहे आणि आध्यात्मिक नगरी म्हणून या दिग्रजची ओळख आहे। आणि आज या देवनगर ईदगाहच्या ठिकाणी सर्व समाज बांधवांनी अत्यंत श्रद्धापूर्वक नमाज पठण केलेलं आहे। शहरे काजी यांचं प्रवचन आणि मार्गदर्शन याचा लाभ सर्व नागरिकांनी घेतलेला आहे। आम्ही सुद्धा सर्वजण त्यामध्ये सहभागी झालेले होतो। मी पुन्हा एकदा सर्वांना या रमजान ईदच्या सर्व मुस्लिम समाज बांधवांना मनपूर्वक हार्दिक सदिच्छा आणि शुभेच्छा देतो। जय हिंद। बाईट। इस मौके पर स्थानीय थानेदार पांडुरंग फाड़े, तहसीलदार सुधाकर राठौर सहित दीगरस पुलिस थाने के तमाम पुलिस कर्मचारियों और शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय पदाधिकारियों ने मुस्लिम बंधुओं को रमजान ईद की मुबारकबाद पेश की। यह सुखद नजारा दीगरस शहर की हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सद्भावना और भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की जीती जागती तस्वीर को हकीकत की शक्ल में बयां कर रहा था। बहरहाल NBCN न्यूज परिवार अपने तमाम दर्शकों को रमजान ईद की मुबारकबाद पेश करता है। NBCN न्यूज के लिए दीगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट।